मैं 20 मीटर पर पहुंचा तो वहां देखता हूँ एक पैराशूट रेजिमेंट का लाल पग, एक सरदार जी और एक जाट। वो एक आरएल रखी हुई थी घास पे, और आई नेवर सीन सच ए कूल साइट। घास में वो आरएल रखी थी, आरएल में से धुआं निकल रहा था सामने से, और दोनों बैठे थे कुछ गप मार रहे थे, और फायर फाइट चल रही है सर, अच्छा दुनिया भर की गोलियां चल रही है, अंदर से वो फायर कर रहे हैं, उधर से हिंदुस्तान की फौज फायर कर रही है, रोड से साला कोई फायर कर रहा है, एवरी बॉडी इज एंगेजिंग एवरी बॉडी। और ये दोनों बैठे हैं और ऐसे देखा इनने मेरी तरफ, बोलते हैं हाँ भाई ले आया माल। मैंने क्या माल यार? बोला गोले गोले। मैंने कहा कोई गोले नहीं है। अच्छा गोले नहीं है? मैंने कहा आप लोग लाए नहीं गोले? तो बोला सारे चला दिए। मैंने कितने चला दिए? बोला 20 गोले चला दिए, 8 तो निकल गए, लकड़ी के घर उतने, बोला 8 तो निकल गए थ्रू एंड थ्रू, बाकी ये जो आग लग रही है अब घर में हमारे गोलों से है, तो गोले नहीं लाए और कोई गोले ला रहा है? मैंने कहा गोले कोई नहीं ला रहा यार। अच्छा दे लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी। दोनों बैठ गया, दे आर डिस्कसिंग भैंस के रेट हरियाणा और पंजाब के। मैंने और मैं बैठा सुन रहा हूँ समझे, मैं देखूँ यार, मैं हिंदुस्तान का जवान के दिमाग में क्या चलता है। पैरा टू पैरा फाइव पैरा के थे वो, QRT डिम में अटैच थे, तो कोई नहीं मिला तो उनको भेज दिया उठा के कि तुम जाओ गोले लेके। तो आरएल लेके बेचारे आ गए, जितना एमिशन कैरी किया था वो 15-16 गोले सारे मार दिए। उसके बाद बैठे थे, और जाट अपने मुंह में, एक मुझे स्टिल रिमेंबर, मुंह में वो घास की एक तिनकी लेके ऐसे चबा रहा था, और सरदार जी बैठे थे साथ में उनके, और वो डिस्कशन चल रहा था उनका भैंस के रेट और दूध के रेट हरियाणा और पंजाब में। और मैं वहां बैठ के, यू नो एज एन ऑब्जर्वर, आई हैव ऑलवेज बीन एन ऑब्जर्वर, मे बी दैट्स व्हाई आई हैव रिटन बुक्स, एंड आई एम सिटिंग देयर एंड थिंकिंग हाउ लुक एट दिस मैन, लुक एट दिस, हाउ कूल कैन यू गेट, दे आर ब्लडी डिस्कसिंग बफलो रेट्स एंड लैंड रेट्स एज इफ दे आर सिटिंग इन सम ब्लडी ड्राइंग रूम एंड यू नो एक्सेप्ट चाय मिसिंग है, और ये सर उठाओ तो यहाँ चल रहा है टड़ा गोली टड़ा टड़ा चल टड़ 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 टड़, और इनको पता ही नहीं कुछ। एक बार उन्होंने पूछा हल्के से, लाया गोले? नहीं लाया गोले, कोई बात नहीं, अपने भैंसे की रेट डिस्कस कर रहे हैं। वो फिर वो लड़के ने देखा वो इंट ऑफ से छुपा हुआ था दीवार के पीछे ऐसे मोड़ काट के, तो वो बार बार सर उठाए तो इस लड़के ने देख लिया, तो ही स्टार्टेड क्रॉलिंग, क्योंकि क्या था मिलिटेंट ऐसा, तो सिविल कपड़े में था, तो ही स्टार्टेड क्रॉलिंग। तो सरदार जी टेल्स मी, इसे मुंडे ने पकड़ ले, तेरा मुंडा है क्या? मैंने कहा हाँ मेरे साथ है। पकड़ यार कितने जा रहे हैं? वो साडा ऑफिसर हैगा, वो इंट ऑफिसर हैगा, वो मुंडे ने चुको है, कूल चैप्स।